Hello everyone, how are you all? I hope you all are happy, safe and healthy. Today we are going to cover up section number 176. The notes which I am going to use are mentioned in the description box below, are linked in the description box below. In case you want to see more videos like this covering a lot of sections, I have mentioned the link of the playlists also which have been already covered till date. Okay, and so without wasting any further time, let's start with section 176. 6 is given on page number 3.42 of the PDF, or if you have the book, it is given on page number 3.42. So let's start with section 176. Defects in appointment of directors not to invalidate actions taken. Directors ka jo appointment hua, usme kuch defects the. Us defect ki wajah se जो भी एक्शंस वो आज तक ले चुके हैं, मतलब टिल द डेट ऑफ इनवैलिडेशन जो एक्ट्स वो कर चुके हैं, जो एक्शंस वो ले चुके हैं, कर चुके हैं, वो आपके इनवैलिडेट नहीं होंगे. मतलब फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट हुआ आज के दिन, ठीक है, आज के दिन अपॉइंटमेंट हुआ और फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो सही नहीं हुआ था, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे. इसके बीच में, जब तक हमें पता चलता है, इसके बीच में कुछ डायरेक्टर्स ने अग्रीमेंट कर लिए कंपनी के बिहाफ पे इन द कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर, तो उस केस में इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो अब उसका जो अपॉइंटमेंट था वो इनवैलिड था. तो इस बात का उन एक्शंस पर, उन अग्रीमेंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इंटैक्ट ही रहेंगे. ऐसा हमें अभी तक पढ़ने से लग रहा है सेक्शन की हेडिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन. सेक्शन 176 ऑफ द एक्ट कंटेन्स प्रोटेक्टिव प्रोविजंस. ये कैसे प्रोविजंस हैं? प्रोटेक्टिव प्रोविजंस हैं बाय विच एक्शंस टेकन बाय अ डायरेक्टर शैल नॉट गेट इनवैलिडेटेड इफ सब्सिक्वेंटली इट इज़ नोटिस्ड दैट देयर हैपेंड टू बी डिफेक्ट्स इन हिज अपॉइंटमेंट. The validation of actions provides a kind of protection to the company as well as the third parties. अब इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आज के दिन अपॉइंटमेंट हुआ डायरेक्टर का, 10 दिन बाद पता चला कि उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे. इस दौरान उस डायरेक्टर ने कुछ ना कुछ अग्रीमेंट्स कर लिए, ठीक है. अब उन अग्रीमेंट्स की वजह से कंपनी पर भी कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा और थर्ड पार्टी पर भी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अग्रीमेंट थर्ड पार्टी और कंपनी के बीच में हुआ है, राइट? जब हमें पता चला कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ था ये इनवैलिड था, उस केस में हमने उसको डायरेक्टरशिप की पोजीशन से हटा दिया होगा. अब सिंस वो डायरेक्टर नहीं रहा, तो क्या जो एक्ट्स उसने बीच में किए हैं, जो अग्रीमेंट्स उसने बीच में किए हैं, वो वैलिड रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए? अगर मान लेते हैं, उसको बोल देते हैं कि जो अग्रीमेंट्स हुए हैं वो वैलिड नहीं माने जाएंगे क्योंकि जिस डायरेक्टर ने करे हैं वो उसके अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट्स थे. सपोज़ ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तो आप ही बताओ, जो अग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से कंपनी या फिर थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ लॉस होता? क्योंकि हो सकता है जब तक आपने ये बात पहचानी कि वो अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, तब तक तो बहुत कुछ काम शुरू हो चुका हो सकता है, या तो आपकी साइड से या फिर उस थर्ड पार्टी की साइड से, जिस वजह से उस थर्ड पार्टी या फिर आपका बहुत नुकसान हो सकता है. तो इसीलिए एक तरीके के प्रोटेक्टिव प्रोविजंस हैं कि जब तक आपको पता चला कि ये डिफेक्ट था अपॉइंटमेंट में, तब तक अगर कुछ एक्शंस वो ले चुका है तो उनको वैलिड मान लो. लेकिन हाँ, उस दिन जिस दिन आपको पता चल गया कि वो डिफेक्टिव था अपॉइंटमेंट, तो उस दिन के बाद वो कोई भी अग्रीमेंट्स ना कर पाए, इस चीज़ को इंश्योर करो. क्योंकि जब पता चल ही गया डिफेक्टिव है, उसके बाद भी अगर आप कुछ अग्रीमेंट कर रहे हो, फिर तो गड़बड़ है ना, फिर तो गलती कर रहे हो, उसको तो वैलिडेट नहीं किया जा सकता. लेकिन जो बीच में हो रहे हैं उनको वैलिडेट करना एक लॉजिकल थिंकिंग है, एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि इससे प्रोटेक्शन हो रही है कंपनी की भी और साथ ही साथ थर्ड पार्टी की भी, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं तो डरेगी, हर बार अग्रीमेंट करते हुए वो चेक करना चाहेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है बाद में जाके आप इस डायरेक्टर को का अपॉइंटमेंट वैलिड ना मानो, डिफेक्टिव मान लो, तो थर्ड पार्टी को भी रिस्क रहता, कंपनी को भी रिस्क रहता. तो इसीलिए सेक्शन 176 आया. सेक्शन 176 ऑफ द एक्ट कंटेन्स द प्रोटेक्टिव प्रोविजंस बाय विच एक्शंस टेकन बाय अ डायरेक्टर शैल नॉट गेट इनवैलिडेटेड इफ सब्सिक्वेंटली इट इज नोटिस्ड दैट देयर हैपेंड टू बी डिफेक्ट्स इन हिज अपॉइंटमेंट. द वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द कंपनी एज वेल एज टू द थर्ड पार्टीज. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 176 आर स्टेटेड एज अंडर. सो लेट्स कम टू सेक्शन 176 के प्रोविजंस. फर्स्ट पॉइंट, no act done by a person as a director shall be deemed to be invalid.
if it was subsequently noticed that his appointment was invalid by a reason of any defect or disqualification, or had been terminated by virtue of any provision contained in Companies Act 2013 or in the articles of the company. देखो, किसी भी director के acts invalid नहीं माने जाएंगे अगर बाद में भी उसका जो appointment है वो defective या फिर invalid पता चलने के बावजूद. किस वजह से invalid हुआ, defective हुआ? क्योंकि कुछ डिफेक्ट मिल गया कि अपॉइंटमेंट में ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, नहीं किया, डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट हुआ है. वो कोई डिफिकेशन कर रहा था 164 के हिसाब से, सेक्शन 164, बट उस टाइम नोटिस नहीं, डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट हो गया, या फिर उसको टर्मिनेट किया गया था. क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन कहता है कि उसका टर्मिनेशन हो जाना चाहिए था, वो अपॉइंट नहीं होना चाहिए था, या फिर आर्टिकल्स, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी बात लिखी हुई है कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड नहीं माना जा रहा है. तो इस केस में क्या होगा, वो डायरेक्टर का जो है अपॉइंटमेंट वो क्या माना जाएगा, डिफेक्टिव, ठीक है, इनवैलिड. अब इसकी वजह से उसने जो भी काम करे हैं उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसा लिखा है सबसेक्शन ये पॉइंट नंबर वन में. पॉइंट नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, एक्ट्स नॉट वैलिड इफ डन आफ्टर नोटिसिंग हिज अपॉइंटमेंट टू बी इनवैलिड और टू हैव टर्मिनेटेड. अब आपको आज के दिन पता चल गया कि इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ था पिछले एक महीने पहले वो इनवैलिड था, ठीक है, या वो टर्मिनेट हो चुका था. उस केस में क्या जो वो एक्ट्स उसके बाद करने वाला है, आफ्टर गेटिंग नोटिस्ड अबाउट दिस, क्या उसके बाद जो एक्ट्स कर रहा है वो सही मानने चाहिए? नहीं, वो सही नहीं मानने चाहिए. इसीलिए लॉ में इसका प्रोविजन आया. फर्स्ट पॉइंट में था कि उसका टर्मिनेशन हो जाना चाहिए था, मतलब हो सकता है उसका टेन्योर ख़त्म होने वाला था, टेन्योर ख़त्म हो चुका था, फिर भी वो ऑफिस होल्ड करके काम करे जा रहा था, ये वाली चीज़ हो सकती है, मतलब उसका ऑफिस टर्मिनेट हो चुका था बट स्टिल ही वॉज वर्किंग, या फिर उसका डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट था, या फिर उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन थी जिसकी वजह से उसका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह, ठीक है. तो इस केस में तो हमने मान लिया कि जिस दिन तक हमें पता नहीं था उस दिन तक के तो जो कर लिया वो कर लिया, वैलिड है. बट जिस दिन पता लग गया, कि उस दिन के बाद भी कोई ऐसी छूट देनी चाहिए? नहीं. So acts not valid if after noticing his appointment to be invalid or to have terminated. It is provided that section 176 shall not be deemed to give validity of any act done by the director after his appointment has been noticed by the company to be invalid or to have terminated. ठीक है? In other words, any subsequent act done by a director shall not get validated under the following circumstances. First, where it comes to the notice of the company that his appointment is invalid or illegal or there is no appointment. Subsequent act वो जो कर रहा है after getting noticed कि इसका defective है appointment या termination हो चुका था फिर भी वो काम कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, invalid बन जाएंगे. In other words, any subsequent act done by a director shall not get validated under the following circumstances. कब? जब ये चीज़ कंपनी के नोटिस में आ जाता है कि उसके जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड है, या फिर इलीगल है, या फिर कोई अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं था, ऐसे ही काम कर रहे हो. तो इन सभी केसेस में जिस दिन पता लग गया उस दिन के बाद से कोई भी एक्शंस आपके वैलिडेट नहीं किए जाएंगे, वैलिड नहीं माने जाएंगे. सेकेंड, वेयर इट इज़ इन द नोटिस ऑफ द कंपनी दैट इज़ अपॉइंटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड. कंपनी को पता चल चुका है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. थर्ड, वेयर इट इज़ नोटिस्ड बाय द कंपनी दैट हिज एक्ट्स आर इलीगल, दैट इज़ अल्ट्रा वायोस द कंपनी और कंपनीज एक्ट, जहाँ पर आपको पता चला कि जो वो डायरेक्टर है ना वो जो भी एक्ट्स कर रहा है वो इलीगल काम कर रहा है कंपनी के अंदर, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से वो इलीगल एक्ट्स हैं. तो उस केस में जहाँ पर लीगल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो नहीं, लीगल तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी वो एक्ट इनवैलिड बन जाएंगे. वेयर इट वॉज़ वेल विद इन द नॉलेज ऑफ द थर्ड पार्टी दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वॉज नॉट वैलिड और देयर एग्जिस्टेड एनी इरेगुलरिटी और देयर वॉज एनी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच टू द डायरेक्टर एंड स्टिल सच पार्टी डेल्ट विद हिम. हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि प्रोटेक्टिव प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी ऑल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू दी थर्ड पार्टी ऑल्सो. लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी जो है उसको ऑलरेडी पता था, उसकी नॉलेज में था कि जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है ना वो सही नहीं हुआ है,
इरेगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है या फिर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और फिर भी वो थर्ड पार्टी जानते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेती है, जानते हुए भी कर लेती है, डील कर लेती है उस डायरेक्टर के साथ, तो इस केस में आपको लगता है वैलिडिटी देनी चाहिए? नहीं, इस केस में वैलिडिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता था. नहीं पता होता, गुड फेथ में आपने कर लिया होता तो समझ आता, बट आपने तो पता होने के बाद ऐसा कर लिया, तो इस केस में आपको लगता है वैलिडिटी देना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए? नहीं, इसलिए यहाँ पर डाल दिया ये प्रोविजन. नेक्स्ट, वेयर द डायरेक्टर नोज इट फुली दैट हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज एक्सपायर्ड बट ही कंटिन्यूज टू ऑक्यूपाई हिज ऑफिस डिस्पाइट सच नॉलेज. उसका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है, उसको पता भी यह चीज़, उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, फिर भी वो ऑफिस में काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो उस केस में क्या वैलिडेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, वेयर अ पर्सन एक्सरसाइजेज हिज पावर्स एज अ डायरेक्टर दो ही अपेरेंटली नोज दैट ही हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्सरसाइज सच पावर्स बिकॉज हिज अपॉइंटमेंट वॉज इनवैलिड और ही हैज़ सिंस बीन टर्मिनेटेड. उसको पता है ये डायरेक्टर को कि वो जो डायरेक्टर उसकी पावर एक्सरसाइज कर रहा है ना, उसके पास इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है. क्यों? क्योंकि जो उसका अपॉइंटमेंट था वो इनवैलिड था या फिर जो उसकी टेन्योर था वो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है. तो इस केस में जब उसके पास पता है उसको सब कुछ, ठीक है, सब कुछ पता है, तो फिर आपको क्या लगता है वैलिड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो नहीं रहेगा, ठीक है. तो ये वाले आपके सर्कमस्टांसेस हो गए, कब कब आपके एक्ट्स वैलिड नहीं रहेंगे. जब भी कंपनी की नोटिस में आ जाए कि अपॉइंटमेंट जो था वो इनवैलिड या इलीगल था या फिर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, पहला. सेकंड, जब कंपनी की नोटिस में आ जाए कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेट हो गया. थर्ड, जब ये नोट्स में आ जाए कंपनी के कि जो भी वो एक्ट्स कर रहा है वो इलीगल है उस दिन से. चौथा, जब ये थर्ड पार्टी की नॉलेज में था कि वो डायरेक्टर जो है उसके जो भी अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह, डिस्क्वालिफिकेशन है, ये सब चीज़ें हैं, फिर भी थर्ड पार्टी सब कुछ जानते पूछते सब कुछ आप डील कर रहे हो उस डायरेक्टर के साथ, या फिर जब डायरेक्टर को खुद ही पता था कि उसका टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो गया है फिर भी वो ऑफिस को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है. नेक्स्ट, जब पर्सन को पता है कि जो पावर्स वो डायरेक्टर की एक्सरसाइज कर रहा है उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं एक्सरसाइज करने की, तो भी ये सारे एक्ट्स जो हैं वो वैलिडेट नहीं किए जाएंगे, ठीक है. थर्ड, प्रोटेक्शन टू द एक्ट्स ऑफ MD और WTD और मैनेजर. तो जो भी MD, WTD, मैनेजर हैं उन्होंने कोई एक्शंस लिए हैं तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है? तो सेक्शन 196 सबसेक्शन 5 आपको याद होगा. इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 196 सबसेक्शन 5, एनी एक्ट डन बाय अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर बिफोर हिज अपॉइंटमेंट वॉज डिसअप्रूव्ड बाय द कंपनी एट द जनरल मीटिंग शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड. आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ. सेक्शन 196 के अंदर हमें पता है कि जो MD, WTD, मैनेजर, इनका अपॉइंटमेंट होता है, पहले बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको जनरल मीटिंग का भी अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है. तो हो सकता है जो बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल आया उसमें आपका अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन जनरल मीटिंग का अप्रूवल आने में अभी 3-4 महीने थे, ठीक है. तो बीच में उस दौरान आपने ऑब्वियसली काम किया होगा एज दी MD, WTD या फिर मैनेजर, और आपने काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स भी किए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स भी करे होंगे. तो उस वजह से कि बाद में जनरल मीटिंग के अंदर सपोज़ आपका जो अपॉइंटमेंट है वो डिसअप्रूव हो जाता है, मतलब शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं देते, वो डिसअग्री कर देते हैं, डिसअप्रूव कर देते हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो उस केस में जो आपने बिटवीन बोर्ड मीटिंग टू जनरल मीटिंग जो ट्रांजैक्शंस करी, अग्रीमेंट्स करे, कॉन्ट्रैक्ट्स करे, क्या वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं. सेक्शन 196 सबसेक्शन 5 में कहा कि वो डीम्ड टू बी वैलिड हैं, ठीक है. एग्जाम्पल, मिस्टर मोहन वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एट दी AGM ऑफ अ कंपनी हेल्ड ऑन 30th September 2018, ठीक है. मिस्टर मोहन को अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर AGM के अंदर जो 30th September को हुई थी, एंड ही फंक्शनड इन दी कैपेसिटी एज डायरेक्टर फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स. उसने तभी से डायरेक्टर की तरह काम करना शुरू कर दिया. सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द मिड ऑफ August 2019, मतलब अगले साल August 2019 के अंदर मिड ऑफ August में, इट वॉज नोटिस दैट देयर वॉज irregularities in his appointment and therefore on 31st August 2019 his appointment was declared invalid. Mid of August में पता चला कि जो उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी ना उसमें कुछ irregularities हैं, तो इसीलिए 31st August 2019 को उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसको invalid declare कर दिया गया. However, Mr. Mohan continued to act as a director even after 31st August 2019. मतलब उसको आपने जो है अपॉइंटमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया उसके बाद भी वो एज अ डायरेक्टर काम करता रहा. वेदर द सब्सिक्वेंट एक्ट्स डन बाय हिम एज अ डायरेक्टर आर वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं. क्यों? क्योंकि जिस दिन तक
आपको नहीं पता था तब तक तो समझ आ रहा है, जिस दिन पता चल गया उस दिन के बाद के आपके एक्ट्स तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि क्या जो सबसीक्वेंट एक्ट्स वो कर रहा है एज अ डायरेक्टर वो वैलिड माने जाएंगे और क्या कंपनी पर वो एक्ट्स बाइंडिंग होंगे? नहीं, क्योंकि सेक्शन 176 में लिखा है कि वो इनवैलिडेट हो जाएंगे, वो वैलिडेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एनी एक्ट डन बाय अ पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड नॉट दैट इट मे आफ्टरवर्ड्स बी डिस्कवर्ड दैट हिज अपॉइंटमेंट वॉज इनवैलिड by reason of any defect, disqualification or had terminated by virtue of any provision contained in this act or in the articles of the company. The proviso to section 176, however, states that nothing in this section shall be deemed to give validity to the acts done by a director after his appointment has been noticed by the company to be invalid or to have been terminated. तो उसके बाद वाले acts के लिए कोई भी आपको validation नहीं दी गई है section में। In view of the above provisions of section 176, the acts done by Mr. Mohan till the date of noticing irregularity in his appointment shall be deemed as valid and binding on the company. Till the date आपने notice नहीं किया था तब तक तो valid है, binding है. Any act done by him after the date on which irregularity in his appointment was noticed by the company shall be invalid. Accordingly, acts done by Mr. Mohan after 31st August 19 shall be invalid and not binding on the company. I hope ये आपको सेक्शन समझ आ गया होगा। ये सेक्शन का हमें पता था, मतलब काफ़ी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता थी कि ऐसा होता है तो डिफेक्टिव नहीं माना जाता, क्योंकि सेक्शन जो रिस्पेक्टिव सेक्शंस हैं उसके अंदर इस चीज़ का रेफरेंस आ जाता था। बट ये कौन से सेक्शन के अंदर लिखा है वो आज आपको पता चल गया होगा कि सेक्शन 176 के अकॉर्डिंग के इन एक्ट्स को वैलिड डिक्लेयर किया जाता है। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 176। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा सेक्शन, एंड इफ दैट इज़ द केस डू गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो डू शेयर इट विद समवन एल्स ऑल्सो विच माइट बी हेल्पफुल फॉर समवन। एंड इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, please do consider subscribing to my channel for more such videos and more such content. In case you have any specific topic request or specific chapter request, do let me know about it in the comment section below. I will definitely try my best to come up with a video for that topic. And if you have any suggestions for improvement, do give it in the comment section. I would love to have the feedback from you so that I can improve and make this channel better and better. Together we learn, together we grow. So for today, this is all. Thank you for watching the video, and until next time, see you soon. Bye-bye.